वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे, मजे में होंगे। तो आज जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि अम्मी के घर मेहमानों ने आना है, तो इफ्तारी का हम लोगों ने इंतजाम करना है। तो बड़ा व्लॉग मजेदार होने वाला है, लास्ट तक आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। तो जनाब, अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर पुरानी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है? तो एंड तक आप लोगों ने व्लॉग देखना है, तो चलाएं जल्दी से प्रिपरेशन शुरू करते हैं। हमने फ्रूट की जो है वो कटिंग कर ली है। मैंने फ्रूट चाट बन रही है, क्रीम चाट बन रही है, और मैंने एप्पल काट ली है। अभी बस बनाना काटूंगी। डेट्स जो है वो मैंने निकाल ली हैं, और इधर जनाब बन रहे हैं जो कि आप सब लोगों को पता है, स्प्रिंग रोल, जो कि बहुत मज़ेदार लगते हैं। चिकन बॉयल हो रहा है, यहाँ पे कटिंग वटिंग हो गई है, और इसको मैं बॉयल करने लगी क्योंकि इसको मैंने शामिल करना है अपनी क्रीम जो चाट है ना, फ्रूट सैलड क्रीम चाट कह लें, उसके अंदर मैं इसको शामिल करूँगी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कितना मैसी हुआ है किचन, और किचन मैसी हो जाता है जब इतनी सारी प्रिपरेशन करनी हो। और अभी काफ़ी सारी चीज़ें अम्मी कर गई हैं, हालांकि मैंने अम्मी से कहा है कि आप सुकून से बैठे, आराम से बैठे, मैं जो आई हुई हूँ तो सारा काम मैं संभाल लूँगी। पर आपको पता है कि माएँ सुकून से नहीं बैठती हैं, वो होता है अच्छा तू ऐ करना, मैं कर लेनी है थोड़ा जहा, अच्छा मैं बह के कर रही है ना, तू कर ला, तीनों में कुछ कह रही हैं। तो उनका बस ये होता है कि वो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी ले ही लेती हैं, और मैं समझ भी सकती हूँ क्योंकि मैं खुद जो हूँ ना, वो टिक के नहीं बैठती हूँ क्योंकि अब मैं भी मदर हूँ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे होते हैं कि तानू मैं मना करी भी जावा ना, तुसी फिर भी काम करना है। तो मैं कहती हूँ आपको वैसे पता, तो कहते हैं अपने भांडे का ना पता होता है। तो इसलिए अम्मी को मैं जितना मर्जी कह लूँ तो अम्मी जो है वो नहीं बैठ रही हैं। अम्मी अभी ड्राइंग रूम की सफाई करवा रही हैं। लेट्स हैव अ लुक। हाँ जी, मुँह नहीं धोया, कोई बात ही था, तू बड़ा प्यारा आ रहा है मुँह धोए बगैर, नहीं क्रिमची रंग क्रिमची आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसको क्या करना है? वो कह रहे हैं कि मेरा कंप्यूटर जो है ना मेरे कमरे में, आपका क्यों? वैसे ही मैंने, अच्छा इधर रूम भी सेट कर ली है। ये देखे मैडम बैठी हुई है, बस कार्टून देखे हैं मुझे, है ना? नहीं नहीं, आज मेरी बेटी का रोज़ा भी है ना, रोज़ा है ना, हुरिया का और हादिया का भी रोज़ा है। अभी हादिया मेरी वीडियो बना रही है, हादिया को गुस्सा बहुत चढ़ते वीडियो बनाते हुए। नहीं चढ़ता। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने रूम सेट कर लिया है, और यहाँ पे सबको बिठाना है, यहाँ पे सारे पूरे आ जाएंगे। यहाँ पे चेयर्स लगा ली हैं, बाकी यहाँ पर सोफे लगे हुए हैं, यहाँ दरमियान में सेंटर पीस था उसको उठा दिए। तो जनाब यहाँ हो रहे हैं बहुत सारे काम, कुछ शायद आवाज़ का आप लोग को इशू लगे, मैं ऊँची ऊँची बोलने की कोशिश कर रही था कि आपको आवाज़ क्लियर आए, बाकी थोड़ा सा और तो मैनेज कर लीजिएगा। तो मैंने कहा साथ साथ आप लोगों के साथ बातें भी करती जाऊँ। तो अभी जो है वो मैं यहाँ पे फ्रूट चाट के लिए क्रीम जो है वो बीट कर रही हूँ। इधर बादाम कट गए हैं, बादाम जो है ना वो मैंने डालने हैं, जो फ्रूट सैलड फ्रूट चाट बनाई ना क्रीम चाट, उसके ऊपर मैंने कहा गार्निशिंग कर लेंगे, इसकी गार्निश कर देंगे। और यहाँ पे मैं ये इसको मिक्स कर रही हूँ। जैसे साथ साथ हो रहा है यहाँ पर काम, तो मैंने कहा साथ साथ आप लोगों से बात कर लूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं, काफ़ी सारी हो गई हैं ना, आधे से ज़्यादा हो गया। तो अभी अम्मी के साथ हेल्प करवाने में बहुत मज़ा आ रहा है। नई नई शादी जब मेरी हुई थी ना अम्मी, वैसे मेरा आपके साथ वो इतना सारा मेरा काम करने को दिल नहीं करता था, लेकिन अब जब बच्चे हो गए हैं और घर की इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर में भी अफ्तारियाँ सहरियाँ बनाना और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है आपके ऊपर, तो फिर माँ की जो होती है ना, माँ का बड़ा एहसास होता है कि वो कितने सारे काम करती है जब आप खुद माँ बन जाते हैं। तो इसलिए अब अम्मी के साथ काम करवाने में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। अभी वैसे मैं शादी से पहले भी काफ़ी काम कर लेती थी कि नहीं? बहुत काम करती थी। हैं मम्मी मेरी तारीफ कर दे, मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं सच्ची भाई। नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा, मेरी बेटी बहुत अच्छी, बहुत काम करवाती थी मेरे साथ, और अब भी करवाती है। तो वैसे मैं वैसे करवाती थी शादी से पहले, मुझे कड़ी बनानी आती थी, मुझे तो यही नहीं बोलती है, मैंने सब कुछ ही करना, मेरी बेटी को सारे काम आते थे। लो जी, अम्मी ने तारीफ कर दी है जबरदस्ती की। नहीं जबरदस्ती की तारीफ, वाकई सच्ची है, असली वाली ना। हाँ तो जो है इसलिए अच्छा, वैसे बेटियों को ज़्यादा एहसास होता है क्योंकि वो खुद बन जाती हैं जब वो शादी के बाद माँ बन जाती हैं, तो उनको ज़्यादा माँ का एहसास होता है कि ये वाली हमारी माँ काम करती थी ये वो। वैसे बेटों को बड़े होकर भी शादी के बाद भी एहसास नहीं होता, उन्होंने बीवियों पर हुक्म चलाना होता है, इसलिए उनको नहीं होता इतना। बस यहाँ पे हम बना रहे हैं चना चाट, सारा कुछ इसकी मिक्सिंग हो गई है, किचन काफ़ी मैसी हुआ हुआ है, अभी यहाँ से सारा उठाएंगे, एक दफ़ा प्रेप हो जाए सारी, और इसको बस अब मैं मिक्स करने लगी हूँ अच्छे तरीके से। हाँ जी, क्या कह रहे हो? कीवी। कीवी अम्मी लेके आई हुई थी। हाँ देखो मैंने कितना प्यारा बनाया है, वैसे ऊपर थोड़े से स्टाइल में कीवी थोड़ी कम कम लग रही है, स्टाइल में ना कीवी थोड़ी कम कम लग रही है, लगा लूँ? अच्छा लो कीवी लेके आओ।
मैंने इसके ऊपर कीवी वैसे ज़्यादा सारी रख दी है, और दूसरे दो डोंगे जो है ना मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, दो डोंगे जो है ना मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। आप अफ्तारी के टाइम आपको दिखाऊंगी अगर मेरे से बन गई वीडियो तो। गर्मी काफ़ी हुई हुई है, तो बहुत गर्मी लग रही है, बाहर धूप निकली हुई है ना। हाँ बहुत हबस हुआ होगा किचन में इस टाइम पे। लो ये क्या हो रहा है, बच्चों को मसीकी की क्लास दी जा रही है क्या? मेहमान आ रहे हैं, आप आराम से बैठे हुए हैं, तैयारी में हेल्प करवाए। बस जी जोरों शोर से तैयारी जा रही है। इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, पीछे काफ़ी रोशनी आ रही है, गर्मी आज बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है फेस के ऊपर, और किचन में ऐसे लग रहा है जैसे आज मई जून चढ़ गया है, हालांकि अप्रैल है। गवार है ना कि मैं तुम लोगों के जो है ना ये ससुराल वालों की दफा अफ्तारियाँ बना रही हूँ, सही बात नहीं है। हाँ सही बात है, और क्या? नहीं, ये किसकी नहीं, 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 बात नहीं, ससुराल वाले हो गए हैं एक्चुअली में, तो ये चीज का गवाह है ना कि तुम्हारे ससुराल की तरफ भी मैंने उफ्तारियां बनानी है। स्प्रिंग वैसे ये आपकी वाली जो है ना पट्टी अच्छी बनी है, अच्छी यानी फोल्डिंग अच्छी हो रही है, इसकी फटती रही है। जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तभी मैं खड़ी उफ्तारी बना रही हूँ तेरे ससुराल वालों के लिए। हैं? नहीं नहीं तब और बड़े लोग हो जाने बनाने वाले। भूल जा भूल जा, यानी कि आप कर रहे हैं कि फ्यूचर वाली भाभियों की बात। फिर भी कह रहे हैं नायला को बुला लें, हम भी आप ही को बुला लें, मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। हाँ जी क्या बात है, मैंने आपको कहा कि रोजा नहीं रखना जा रहा, तो पानी पी लो। और यहाँ पे देखिए हमारी बाजी क्या रोल बना रही है। अच्छा जी ये जब ससुराल वालों ने आना हो भाइयों के, तो ये क्यों फंसती है अफ्तारियां बनाने में? मैं कुछ पूछ रही हूँ, शगना की खुशी जानती ना, शगना की खुशी बाद में क्यों नहीं होती शगनों की खुशी। देखा ना मैं चंगी गल गलत दिन आप ही सही। मैंने अभी यही वाला सूट पहनना है जो कल मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर भी किया था लास्ट वाले में, तो ये वाला सूट मैंने कहा पहन लेते हैं। बस तैयारी काफ़ी सारी हो चुकी है, थोड़ी बहुत रह गई है, और इधर ये भी मैडम तैयार होके आ गई हैं, अच्छी लग रही हो, फ्रेश भी लग रही हो, और ये जूता भी मैच हो गया ट्राउज़र के साथ थोड़ा बहुत कंट्रास्ट में। तो ये मैंने ड्रेस जो है वो पहन ली है, और ये ड्रेस मेरा फेवरेट है। मेरी आवाज़ आ रही है, पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं, इतनी दूर बैठी हुई है मेरी बेटी कैमरा पकड़ के। सो ये ड्रेस जो है ना मेरा फेवरेट है। तो बस अभी यहाँ पे जो है टेबल पे थोड़ा सामान वगैरह लगाया है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे टेबलों पे शिफ्ट करती हूँ। सरे जी हुरिया कह रही है कि ना मेरी वीडियो बनाए घूमने की, इसको घूमने का बहुत शौक है, इस तरह के फ्रॉक्स पहन के हुरिया को घूमने का बहुत शौक है, मॉडलिंग करने का। आ जाए जी आ जाए आ जाए, और अम्मी को फोर्स कर करके कपड़े बदलवाए हैं कि कपड़े बदलने कपड़े बदलने। माएँ जो होती है ना एंड तक बस ये कर लो वो कर लो, मैं ये कर लेनी है मैं वो कर लेनी है, इतनी मुश्किल ना कपड़े बदलवाए नहीं कि जाके कपड़े बदलने। तो बस अभी वो भी कपड़े बदल आई हैं, नहा नू आई हैं, तो बस अब बाकी आप लोग हमारे साथ भी लोग इन्जॉय करते जाएँ। तो जनाब यहाँ पे फ्राइंग का काम ज़ोरों शोर से जारी है, चिकन बोटी जो है इसको हमने फ्राई कर लिया है, साथ में ये ब्रेड पॉकेट्स जो है ना ये भी तैयार कर ली हैं, ये बहुत मज़ेदार बनती हैं, कभी आपके साथ रेसिपी जो है ना वो शेयर करूँगी इनकी। और स्टफिंग मैंने की है बनाई अम्मी ने। सो इधर ऑल फ्राइंग इज़ डन, और मेहमान भी आ गए हैं, रोज़ा खुलने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, सब चीज़ें माशाल्लाह से जो है ना वो रेडी हो गई हैं, और बस जो है मेहमानों की आई थिंक मैं इतनी वीडियो नहीं बना सकूंगी बिकॉज मेहमान अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो बाकी मैं आप लोगों को अपडेट करती जा रही हूँ जो जो हो रहा है। ठीक है माशाल्लाह से दस्तरखान लग चुका है और सब चीज़ें हैं, चना चाट फ्रूट सैलड और ब्रेड पॉकेट्स बनाई हैं, साथ में ये चिकन बोटी है, और साथ जो थे ना वो रोल्स हैं स्प्रिंग रोल्स हैं, चिकन की समोसियाँ थी, और तरबूज काटा हुआ है, काफ़ी कुछ है माशाल्लाह। और डिनर में हम लोगों ने बाद में जो खाएँगे वो बनाया था ब्रोस्ट था, उसके अंदर मटन है और बिरयानी है। तारी वगैरह हम लोगों ने कर ली है, और अब टाइम जो है ना वो तो हो गया है, इधर से नज़र नहीं आएगा, 11:30 बजे का टाइम हो गया इस टाइम पे। अब तो वैसे भी सैरी का टाइम होने वाला है, और भाई की ईदी भी आ गई है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ माशाल्लाह से क्या क्या ईदी आई है।
तो अब ना मेरी बोलने की हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ वॉइस ओवर में शेयर करूँगी। ये इतने प्यारे कपकेक्स आए हैं ना, कोई इतने प्यारे मुझे, कोई इतने क्यूट लग रहे हैं। ये वाला इनका कलर बहुत क्यूट लग रहा है, ऊपर ईद मुबारक लिखा है, चांद सितारा बना हुआ है। और ये वाले कपकेक्स हादिया उरिया के लिए आए हैं, तो दो फिरोजी हैं, दो पिंक हैं, एक चॉकलेटी, एक वाइट कलर का है, तो बहुत प्यारे और क्यूट से लग रहे थे। खाने का दिल ही नहीं चाह रहा था, दिल कर रहा था डेकोरेशन के तौर पर रख लें। तो बस ये वाले अहमद के लिए आए हैं और दूसरे वाले हादिया उरिया के लिए आए हैं। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि आप लोग कप केक खाना शुरू कर दे, क्योंकि ना अभी सब कप केक खाने ही वाले थे, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को तो दिखा लूँ कप केक्स। तो बस फिर हम लोगों ने आपको दिखाने के बाद जो है ना वो कप केक्स खाना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे जो ईदी आई है ना, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। और ये हादिया हुरिया की मैं सबसे पहले दिखा रही हूँ, ये जो कि उनकी जो है ना होने वाली मामी लेके आई हैं हादिया। इसके ऊपर लिखा हुआ है ये ब्लू वाली बास्केट हादिया की है, ये वाला एक हेयर बैंड है, इसके अंदर इस तरह की बैंगल्स है गोल्डन कलर की, और साथ में ये वाली बैंगल्स हैं इतनी प्यारी लग रही थी ना ये वाली, और ये नेकलेस है ब्लैक कलर का, इसके अंदर ना बीड्स लगे हुए हैं ब्लैक कलर के। मेरे सूट के साथ मैच हो रहा था, मैंने कहा मैं ज़रा पहन के देखूँ कितना प्यारा लग रहा है। तो ये आई थी। और इसके अलावा जो है ना हुरिया का जो था वो अलग से था, ये वाली पिंस भी हैं इसके अंदर। और इन दोनों की बास्केट्स में ना तकरीबन सेम सेम चीज़ें थी, बस नाम लिखे हुए थे क्योंकि बाद में फड्डा हो जाता है। अच्छा, अक्सर जब बहनें होती हैं ना आपस में, तो उनको लगता है दूसरे की चीज़ ज़्यादा प्यारी आई है। अगर अलग अलग से चीज़ें हो ना, तो लगता है दूसरे की चीज़ ज़्यादा प्यारी आई है, मेरी कम आई है। इसलिए ना हमारी कोशिश होती है कि दोनों को एक जैसी तकरीबन चीज़ें जो है ना वो ला के दें, सेम सेम ही तकरीबन तकरीबन हो, ताकि इनका आपस में ना फड्डा शड्डा लड़ाई वड़ाई ना हो जाए। तो ये इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, क्यूट क्यूट थी माशाल्लाह से। और कार्ड भी बनाया हुआ था ना उनकी होने वाली मामी ने। और ये जो है ना सूट आया है मेरे भाई का, जो बड़ा प्यारा सा स्टफ़ है इसका भी, और साथ में आया है अम्मी का सूट। और अम्मी के सूट का कलर मुझे इतना प्यारा कोई लगा ना समर के हिसाब से, पहली नज़र देखते साथ ही मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और अब्बू का सूट वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ख़वातीन के सूट्स तो इस तरह खोल के देखने वाले होते हैं ना, जेंट्स के तो बस हम ऊपर से कलर देख लेते हैं कि हाँ बस ठीक है प्यारा लग रहा है। सो एंड करते हैं, अभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत एफर्ट डालिए, और न्यू है चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।